व्हाट इज पोथी? नमस्ते। अब बच्चों को ये लगता है कि किसी एक एडटेक प्लेटफॉर्म से टीचर दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म पे गया तो उसको कोचिंग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले बोला टीचर कहीं भी जाए उसकी मर्जी है, टीचर कहीं भी पढ़ाए उसकी मर्जी है। वो एग्रीमेंट ना तोड़े, वो नोटिस पीरियड ना तोड़े, वो अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस छोड़ के नहीं है, ये कंडीशन होती है। तो कोचिंग क्या होती है? ओवरनाइट हायरिंग, रातों रात सारे टीचर उठा लिए एक कोचिंग के बीच में, सिलेबस चल रहा है बीच सिलेबस। कोचिंग क्या होती है? लीविंग द प्लेटफॉर्म विदाउट नोटिस पीरियड, बिना नोटिस दिए, मेल पे, इन पर्सन, बिना बात किए, बिना नोटिस दिए, एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, 15 दिन का, जो भी नोटिस पीरियड हो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, बिना नोटिस पीरियड के चले, विदाउट डिस्कसिंग विद एचआर फाउंडर्स, बिना फाउंडर्स को बताए, बिना एचआर को बताए चले गए। जैसा कि उस बार हुआ था, मेरे पास मैसेज आया था कि तबियत खराब है और चले गए, जो कि इन्होंने भी बोला है कि टीचर्स तबियत खराब होकर बोले, पर ऐसा नहीं है, इसके प्रूफ हैं। टीचर्स ने रेजिग्नेशन लेटर भी दिया है और टीचर्स इन्होंने टेक्निक भी किया, इसके प्रूफ है। लिविंग विदाउट कंप्लीटिंग दी रनिंग बैचेस, जो आपके ऑलरेडी सिलेबस चल रहा है उसको बिना कंप्लीट करके, ये कोचिंग, ये हुआ था पिछली बार। टीचर एक बैच के अंदर पढ़ा रहा था मिड सेशन में, फरवरी का, आई थिंक फरवरी 10 टीचर था, 10-11 वो भी एक बार देखे मिड सेशन में, क्या हो सर की बात है, बाकी टीचर की बात करेंगे, जो काफी गया सबकी बात करेंगे। तो ये कोचिंग होती है बच्चों, टीचर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए, ये कोई कंडीशन नहीं होती। भारत का हर टीचर पीडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहता है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छी है, बच्चों को प्यार है, सबसे इम्पोर्टेंट एकेडमिक्स को यहाँ ऊपर रखा जाता है, क्यों चाहिए यार, भारत का हर टीचर यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फॉर्म निकाला था ना हम लोगों ने, फॉर्म में ये बोलते हैं कि फॉर्म में भर के, फॉर्म भर के कोई टीचर नहीं आया है, अभी बच्चा थे फॉर्म में 5,000 के ऊपर रिस्पॉन्स आते हैं जब हम लोग निकालते हैं। पीडब्ल्यू में 2,500 टीचर हैं, आगे और होंगे, क्योंकि टीचर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पीडब्ल्यू, और मुझे ये चीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कहता हूँ कि सबसे बेस्ट टीचर यहाँ आओ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सस्ते में बच्चों को पढ़ाना, सिंपल है कितना समझना। आपका ही एक वीडियो है जिसमें आपने खुद ये बताया कि लोग पहले खुद जाते हैं जॉब मांगने, फिर वापस आके ये बोलते हैं कि हमको ऑफर आया था, लोग खुद जाके पहले जॉब मांगते हैं। पीडब्ल्यू से भी लोग आते हैं यार, टू गो आर इन आर बैचेस देयर इज अ कॉम्पिटिशन, टीचर्स कहते हैं इस बैच में मेरे को जाना है, हर टीचर का सपना है हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाना, इससे बड़ा सपना किसी का क्या होगा, सोचो ना सर, आप तो क्रिएटर हो, इसीलिए आपको भी सर टीचर्स ज्वाइन किए थे कि इतने सारे बच्चों को साथ पढ़ाएंगे। कोच नहीं होते हैं सर, आते हैं टीचर्स पीडब्ल्यू ज्वाइन करने, अमन सर आपने ना टीचर उछाले, और जब भी हम लोग किसी को टीचर उछालते हैं ना तो हाथ में भी टीचर आता है, टीचर की तार में भी लगता है, अपने को भी आ जाता है, साथ में अमन सर आपका पहला को फाउंडर आपको छोड़ के चला गया, गलत इंसान है। अमन सर आपका फर्स्ट एम्प्लॉय पीडब्ल्यू आपको छोड़ के चला गया, गलत इंसान, फर्स्ट एम्प्लॉय सर समझ गए, पीडब्ल्यू का 001 एम्प्लॉय है शिवांगी श्रीवास्तव, यहाँ तक उसको महामहिम बोलते हैं, अलग लेवल की, क्योंकि वो लोग खून पसंद लेते हैं, 001 जिसका कोड होता है ना, तो ठीक है आपका को फाउंडर आपको छोड़ के गया, फिर गलत इंसान था, आपका फर्स्ट एम्प्लॉय छोड़ के गया गलत इंसान था, आपका ज्वाइंट डायरेक्टर आपको छोड़ के गया वो गलत इंसान था, आपकी पूरी टीम आपको छोड़ के चली गई, क्योंकि सब के सब गलत इंसान थे, सब कोच हो गए। क्या समय नहीं है कि आपको खुद एक बार एनालिसिस करना होगा, क्या टाइम नहीं आ गया कि आपको, जब लोग, और जो आप सैलरी का बोल रहे हो, पीडब्ल्यू के लिए ये चीज पूरे एजुकेशन वर्ल्ड में फेमस है कि पीडब्ल्यू एग्जिस्टिंग सैलरी या उससे कम सैलरी मिलाता है, हाइक तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर, 7-8% का हाइक बहुत गिने चुने लोगों को मिला, 1 करोड़ का जिसका पैकेज होता है वो बंदा यहां 60 लाख में 70 लाख में आता है, एकदम नंबर बोलना चाहता है, लोग एग्जिस्टेंस से कम सैलरी में आते हैं, बिलीव नहीं हो रहा होगा ना, बिलीव कराऊंगा, बिलीव कराऊंगा, ये होता है, मैं तो अभी सारे टीचर से बोलूंगा कि अपनी सैलरी ना बता के बस ये बताएं कि अपने पैकेज से ऊपर आए नीचे आए कि बराबर से आए, और आप देखना आपको 90% लोग या तो बराबर या तो नीचे मिलेंगे, क्यों होता है ये रीजन आपको पता है बच्चों, सारे रीजन पता है, फिर भी तुमने हेट दी एक टाइप की बात सुनकर, रीजन तुम्हें पता है,